स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. नाउ वी आर ऑन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो एंड फर्स्ट हेडिंग इज लेट्स रीड एंड क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज ए फुटप्रिंट. कि क्या चीज़ थी जिससे रॉबिन्सन क्रूसो ने ये सोचा कि जो प्रिंट है ग्राउंड पे वो फुटप्रिंट है, मतलब पैर के निशान है, एक पैर का निशान है. ठीक है, किस वजह से सोचा? क्योंकि उसको क्या दिख रहा था, टोज दिख रही थी, मतलब जो उंगलियां होती हैं वो दिख रही थी अलग से, और हिल का निशान, मतलब एडी का निशान दिख रहा था, और मिडल पार्ट वगैरह दिख रहे थे, मतलब पूरा पैर दिख रहा था एक्चुअली उसको, इसलिए उसने ये सोचा. तो देखो आंसर क्या लिखेंगे. रॉबिन्सन क्रूसो थॉट, रॉबिन्सन क्रूसो ने सोचा, ऐसा सोचा. देखो सो का मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा सोचा. क्यों सोचा ऐसा? बिकॉज दैट प्रिंट, उस प्रिंट में, या वह प्रिंट रखता था, उस प्रिंट के ऊपर थे भी कह सकते हैं, हैड एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, कि उस प्रिंट में जो पैर होता है उसका हर एक भाग था. जैसे कि क्या, टोज, टोज क्या होती है, पैरों की उंगलियां, हील मतलब एडी, और उसके दूसरे भाग भी थे, इसलिए एटसेट्रा लिखा है. एटसेट्रा मतलब आदि, मतलब और भी भाग थे. ठीक है, उसके बाद वाई वाज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड द ट्रीज. कि जो रॉबिन्सन क्रूसो था वो डर क्यों गया था जब वो उसने देखा किसको, बुशेस और ट्रीज को. अब वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, तो वो बुश, क्योंकि वो इतना डरा हुआ था, तो उसको जो बुशेस और ट्रीज हैं वो भी क्या लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो आदमी हैं. ठीक है, जंगली आदमी लग रहे थे उसको, सेविजेज लग रहे थे. तो वही आंसर है. देखो रॉबिन्सन वाज अफ्रेड, रॉबिन्सन डरा हुआ था, बिकॉज ही मिसटूक, क्योंकि वो गलत समझ रहा था एवरी बुश एंड ट्री को, टू बी ए मैन फॉलोइंग, कि एक आदमी उसको फॉलो कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा था. ठीक है, उसने मिसटूक मतलब गलत समझ रहा था वो, और क्यों समझ रहा था, क्योंकि वो डरा हुआ था एक्चुअली, और इसलिए उसको क्या लग रहा था कि जो बुशेस हैं और जो झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे भी, उसको क्या लग रहे थे, सेवेजेस लग रहे थे, मतलब जंगली आदमी लग रहे थे, इसलिए उसको और भी ज्यादा डर लग रहा था. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सा द फुटप्रिंट. कि जो रॉबिन्सन है वो, उसने प्रे करना क्यों शुरू कर दिया, प्रे क्यों किया जब उसने उन फुटप्रिंट्स को, उस फुटप्रिंट को देखा. ठीक है, क्यों कर दिया, क्योंकि वो डर गया था और इसलिए भगवान से प्रे करना शुरू कर दिया. क्योंकि भगवान, जो भगवान में बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान उन्हें बचा लेंगे, इसलिए उसने प्रे करना शुरू कर दिया. तो यही देखिए आंसर. और क्यों डर गया था, क्योंकि उसे लगा था कि कोई सेवेज है वहां पे, और वो जाके दूसरे सेवेजेस को भी लेकर आएगा और उसे मार देगा, इसलिए वो डर गया था, इसलिए उसने प्रे करना शुरू कर दिया. रॉबिन्सन थॉट दैट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ ए सेवेज. रॉबिन्सन ने सोचा कि ये फुटप्रिंट एक जंगली आदमी के हैं. ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया दैट द सेवेज वुड कम टू हिम. क्यों डर गया, कि जो सेवेज है, जो जंगली आदमी है, वो उसके पास आएगा विद अदर सेवेजेस, दूसरे जंगली आदमियों के साथ, एंड किल हिम, और उसको मार देगा. सो ही बिगेन टू प्रे फॉर हिज सेफ्टी. इसलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए प्रे करना शुरू कर दिया, यही कारण था. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चूज द करेक्ट आंसर. नोटबुक में लिखना है ये भी. रॉबिन्सन रेन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड. बिकॉज रॉबिन्सन दौड़ा अपने घर की तरफ, एज फास्ट मतलब इतनी तेजी से जितना वो दौड़ सकता था. ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डर गया था. ठीक है, ये पहला ऑप्शन देखो, वॉज रेसिंग, नहीं, रेस नहीं लगा रहा था. वॉज इन ए हरी टू गो होम, वो जल्दी में था घर जाने के लिए, नहीं, वो डर गया था इसलिए, वॉज अफ्रेड. ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वह सो नहीं सका, क्योंकि, क्यों नहीं सो सका था, देखो, देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, कि एक एनिमल था उसकी गुफा के बाहर, नहीं. ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, कि जो उसने सोचा कि जो सेवेजेस हैं वो आ गए हैं मेनलैंड से, मुख्य भूमि से, मतलब वहां जो आइलैंड है उस
आइलैंड के पास और भी दूसरे आइलैंड थे और वो उससे बिलोंग करता था वो आइलैंड उधर उस मेन लैंड से, ठीक है। तो इसलिए वो सोच रहा था कि वो लोग आ गए हैं, इसलिए वो डर गया था। हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, नहीं उसका बेड अनकम्फर्टेबल नहीं था, कारण यही है। तो इसका आंसर ये होगा, बी आंसर। इसलिए नहीं सोच सका था क्योंकि वो सोच रहा था कि दूसरे सेविजेस आ गए हैं, आ रहे हैं, ठीक है। Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? Robinson Crusoe क्यों sure था कि वो उसके footprint नहीं थे? क्यों था? क्योंकि he had not come to this part of the beach in a long time. क्योंकि वो इस बीच के इस भाग पर कई दिनों से नहीं आया था, लंबे समय से नहीं आया था, long time का तो लंबे समय से नहीं आया था। बाकी भी देख लो options. It didn't look like a human footprint. क्योंकि वो human footprint की तरह नहीं लग रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है। इट लुक्ड स्मॉलर देन हीज, क्योंकि वो उसे छोटे लग रहे थे, नहीं कारण ये था, ठीक है। बाद में उसने देखा तो वो उससे बड़े ही थे, छोटे नहीं थे, क्योंकि वो उस बीच के उस हिस्से पर लंबे समय से नहीं आया था, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों के नहीं है वो निशान। वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था, कहाँ पे रहता था वो? ओने बोट, नहीं बोट में था नहीं, इन्हें टाउन शहर में था नहीं, अलोन ओन एन आईलैंड, एक आईलैंड पे अकेला था। ऑन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन पे भी नहीं था, तो ऑप्शन यही है, ठीक है। तो ये इसके करेक्ट आंसर कॉपी में लिखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हेडिंग है लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू फील इफ यू सा अननोन फुटप्रिंट आउटसाइड योर फ्रंट डोर, कि आप कैसा फील करेंगे कि अगर आप देखते हैं किसी अननोन, मतलब ऐसे फुटप्रिंट जिनके बारे में आप अजीब लग रहे हो, जो अलग लग रहे हो, आपको नहीं पता किसके फुटप्रिंट हैं, आउटसाइड योर फ्रंट डोर, अपने फ्रंट डोर के सामने अगर ऐसे पदचिन्ह देखो आप जिनके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप कैसा फील करोगे? आई वुड बी सरप्राइज्ड, पहले मैं क्या होंगे, सरप्राइज तो होंगे ही देख के कि किसके हैं। आई वुड ट्राई टू फाइंड अबाउट द फुटप्रिंट, उसके बाद मैं उसको ट्राई करूँगी कि पता लगाने के लिए किसके फुटप्रिंट हैं, फुटप्रिंट के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट यूर डोर, व्हाट वुड यू डू, कि आप अकेले हैं घर पे और अचानक से कोई आपके डोर पे नॉक करता है, तो आप क्या करेंगे उस केस में? तो क्या करेंगे हम, बच्चे होते हैं तो आई वुड नॉट ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, क्योंकि बच्चे हैं आप लोग इसलिए ऐसा कर सकते हैं आप। आई वुड आस्क हिम और हर नेम एंड पर्पज़ ऑफ विजिट, और उससे उस आदमी का नाम और उसके आने का कारण पूछूंगी। एंड देन वुड से टू हिम और हर टू कम लेटर इन द प्रेजेंस ऑफ माई पेरेंट्स, और उससे अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में आने के लिए बोलूंगी, ठीक है। ये कर सकते हैं आप, अगर आपका कोई नोन है तो भी नहीं खोलना चाहिए उस केस में भी, उस केस में भी उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या काम है, किस लिए आप आए हैं, ठीक है। और उनको बोलना चाहिए कि आप बाद में आना जब मेरे पेरेंट्स हों। तो यही आंसर बनेगा इसका।